बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सूफी सेंटर देख रहे हैं। तो जी नए आने वाले दोस्त, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी आज का हमारा टॉपिक है सुजुकी GD110S की। आज हम आपको क्लच प्लेटेड डालने का तरीका बताएंगे। ये इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन इसकी वीडियो आपको दिखाने का सिर्फ इतना अच्छा था कि अगर आपकी बाइक की देखिए, इस बाइक की किक में प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। देखना इसकी प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है किक में। इस गाड़ी को जब हम चलाते हैं तो ये गाड़ी कहेंगे जोर बहुत ज़्यादा लेती है। तो आज मैं आपको इस गाड़ी को खोल के इसकी क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें और प्लस इसका क्लच होजिंग भी चेक कर पाता हूँ। हाँ जी, आप सबसे पहले तो इसकी किक को खोल लें। जी दोस्तों, इसकी किक को आप उतार के जो इसके पेच खोलते हैं उसी जगह पर लगा दें। इसका ये फ़ायदा होता है कि पेच घूमते नहीं है बाद में कहीं पे। 8 नंबर की की से आप इसके इस साइड के पेचों को खोल लें। दोस्तों इसको खोलने के बाद हम इसके इस कवर को खोलेंगे और कवर को खोलने के बाद जब आपकी बाइक की क्लच प्लेटों की ये पोजीशन आ जाती है तो उसका ये नुकसान होता है कि प्लेटें जो है अपना कह लें कि कचरा छोड़ना शुरू कर देती हैं। उसकी वजह से इसका ये कवर भी अंदर से काफ़ी गंदा हो गया है और बाकी भी इसकी चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई हैं। तो इसको खोलने के बाद इसको एक साइड पर रख दें। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इसका ये होजिंग अब बिल्कुल फ्री है तो ये नहीं खुल रहा, तो इसको थोड़ा झटके से हम खोलेंगे थोड़ा सा। जी दोस्तों ये देखें किस तरीके से मैंने इसकी क्लच होजिंग को खोल लिया। जी दोस्तों, इन पेचों को खोलने के बाद आप इनके स्प्रिंगों को बाहर निकाल लें और इसके क्लच होजिंग को आप बाहर निकाल लें। ये देखें दोस्तों, इस होजिंग की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन इस होजिंग के आगे ये एक लॉक लगा होता है। ये लॉक और ये इसके बैरिंग इसका चेक करना होता है। इस लॉक के अलावा यहाँ पर इसका एक ये पिन बैरिंग भी होता है। इस पिन बैरिंग को अब हम वॉश करके फिर लगाएंगे। देख रहे हैं दोस्तों, इस प्लेटों की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है। और दोस्तों ये इसका एक स्पेशल टूल है जो इसके क्लच होजिंग को खोलता है। जगह पर लगाने के बाद आप इसके ये 18-19 का पाना है जिससे हम इसका क्लच होजिंग खोलेंगे। जी दोस्तों, इसके क्लच होजिंग का हमने ये नट खोल दिया है और इस क्लच होजिंग को हम बाहर निकाल लेंगे। और इसके ये क्लच होजिंग में फिट करने से पहले ये दो वाशलें होती हैं और ये नट लगा होता है। दोस्तों इस क्लच होजिंग की जो है हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है। काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने से मुराद के ये होजिंग जो है ना इनका काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो चुका हुआ है, तो ये इनका क्लच होजिंग चेंज होगा। तो जी दोस्तों, इसकी ये मैंने इसके अंदर से ये डबल निकाल ली, वॉशल जो भी आप इसे कह लें। तो इसके क्लच बक्से को भी मैंने बाहर निकाल लिया। बेसिक इतनी गहराई से दिखाने का आपको ये मकसद है कि आपको पता चल सके। ये इसके एक वॉशर इसके पीछे होती है, बक्से के पीछे होती है। इसको मैं कोशिश करूँगा कि पेट्रोल से वॉश करूँ, लेकिन कम से कम पेट्रोल इसको लगे। ये आप इसकी ये नीचे शाफ्ट देख रहे हैं, ये शाफ्ट इसके गियरों को कह लेंगे, गियरों का जो आपकी वर्किंग करती है। जब हम गियर लगाते हैं तो ये शाफ्ट का स्प्रिंग इस शाफ्ट को वापस लेके आता है। तो जी दोस्तों, अब आप इसको पेट्रोल से वॉश कर लें। इसको कोशिश करेंगे ये पेट्रोल से आप इसके क्लच होजिंग को अच्छी तरह वॉश करें, उसके बाद आप इसके ये क्लच कवर की भी देख लें क्या हालत है। तो इसको भी हम अभी आपको साफ करके दिखाएंगे। जी अब हमने इसका जो है ये क्लच होजिंग, ये क्लच बक्सा जो अब हमने जी दोस्तों अब ये अंदर से साफ़ हो चुका है और अब हम इसकी प्रेशर प्लेटों को वॉश करेंगे।
बाज़ दफ़ा ये होता है कि प्रेशर प्लेटें जो आपकी वो पुराने वाली ही चल जाती हैं, क्लच प्लेटें और इसका क्लच होजिंग का ही मसला होता है, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। जी दोस्तों, ये अब हम इसका ये क्लच होजिंग चेंज करेंगे। मैं आपको इसके पुराने होजिंग की और नए होजिंग में फर्क दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये इसका आप देखें, ये इसके क्लच होजिंग का फ़र्क देख लें। ये इसके दोनों एक ही साइड के होजिंग हैं। ये इसका क्लच होजिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रीक हो चुका है, ठीक है। और ये इसका नया आप होजिंग देख लें, इसकी जो मोटाई है बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक है। और ये इसका बिल्कुल ब्रीक हो चुका हुआ है। तो इसके साथ जो है हम इसकी ये क्लच प्लेटें चेंज करेंगे, ठीक है। और प्रेशर प्लेटें जो हैं इनकी वही चल जाएंगी। पहले तेल की वजह से काफ़ी गंदी हुई थी, लेकिन अब हमने वॉश किया तो ठीक हो गया। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है दोस्तों, कि जब भी आपने इसका होजिंग चेंज करना है ना, तो पुराने होजिंग के ऊपर ये लॉक होता है, ये लॉक आप देख रहे हैं, ये लॉक आपने इस स्पेशल नोस प्लास की मदद से इस लॉक को आपने खोल लेना है। देख रहे हैं, इस लॉक को आपने इसके नए होजिंग में लगा देना है। ये एक स्पेशल टूल है, इसका स्पेशल नोस प्लास कर लें आप, है जो सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है ये। तो जी दोस्तों, ये लॉक आपका जो है इस वक्त लग चुका है। इसके पॉइंटों को आपने लाजमी चेक करना है। और इस लॉक को लगाने के बाद एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये इसका कह लें कि पिन बैरिंग होता है इसका। ये जब आप इसका क्लच होजिंग फिट कर लेते हैं तो ये क्लच होजिंग के आगे आता है। तो इसकी ये चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर जो है ना बैरिंग का निशान आ गया हुआ है, स्पिन बैरिंग का निशान है। तो आपने जब ये फिट करना है तो आपने इसका ये तरीका कर करना है कि इस वॉशर का जो है ना, आपने कह लीजिए पिन बैरिंग की दूसरी जगह आप इस वॉशर को ले आना है। पिन बैरिंग का निशान आपका इधर आ गया है, आपने बस ये वॉशर का रुख चेंज कर देना है। तो आपका बैरिंग जो है वो चलने में आसान रहेगा। वैसे आपके बैरिंग को चलने में प्रॉपरली कहेंगे प्रॉब्लम होती है। और अब हम जी दोस्तों, इसके क्लच बक्से को हम सबसे पहले लगाएंगे। इसके पीछे आपको मैंने पहले भी दिखाया था, जैसे कि एक ये वॉशर होती है, ये वॉशर आपकी लगी होनी चाहिए, लाजमी लगी होनी चाहिए। उसके बाद आप इसके क्लच बक्से को फिट करें। क्लच बक्से को फिट करने के बाद आप इसकी इस डावल को लगा लें। इसको अब लगाने के बाद आप इसमें क्लच होजिंग को फिट करें, ठीक है। इसके पीछे बेसिक कोई वॉशर नहीं आती, ये तो आपकी डबल सी है, ये ही वॉशर टाइप होती है। इसको बिठाने के बाद आप इसके होजिंग को फिट करें, नई होजिंग को। जी दोस्तों, जब हमने टाइट करना है तो इसके आगे दो वॉशर आती हैं, एक ही बड़ी वॉशर है और एक ही छोटी वॉशर है। इनको आपने लाजमी लगाना है। इस गाड़ी में अगर कोई एक आधी वॉशर भी मिस हो जाती है तो ये गाड़ी प्रॉब्लम करती है, तंग करती है। उसके बाद हम इसके नट को लगाएंगे। जी दोस्तों, ये स्पेशल टूल जिसकी मदद से हमने ये इसका होजिंग खोला था, और उस टूल की मदद से 18-19 के पाने की मदद से हम इसके होजिंग को दोबारा टाइट कर देंगे। इसको टाइट करने के बाद आप इसके होजिंग को चेक कर लें कि ये पूरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसके बाद हम इस गाड़ी की क्लच प्लेटें फिट करेंगे। सबसे पहले आपकी क्लच प्लेट आएगी, उसके बाद आपकी प्रेशर प्लेट आएगी। ये प्रेशर प्लेट की भी ये कहेंगे सीधी और उल्टी साइड होती है। ये आप गौर करेंगे तो एक आपको ये चमक वाली साइड मिलेगी, ये इसकी सीधी साइड है, और दूसरी ये इसकी उल्टी साइड है। इसकी जो चमक वाली साइड है हमने इसके अंदर वाली साइड पे रखनी है। उसके बाद फिर इसकी एक क्लच प्लेट, इसमें टोटल 4 क्लच प्लेट्स होती हैं और 3 प्रेशर प्लेटें होती हैं इसमें। जी दोस्तों, इसकी क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें बिठाने के बाद ये इसकी आगे करेंगे। जो मैंने आपको पिन बैरिंग की इसकी सेटिंग बताई थी, ये बेसिक आपका पिन बैरिंग जो है इसके इस जगह पर आता है, इसके ये लॉक वाली जगह पर आता है। लेकिन मैंने इसकी ये वॉशर की साइड चेंज कर दी, आपको नज़र आ रही होगी साइड अंदर से चेंज, क्योंकि यह है कि इसका पिन बैरिंग जो है वो ईजीली चल सके। तो इसके बाद हम इसके इस क्लच होजिंग के दूसरे पीस को भी बिठाएंगे। जी दोस्तों, आपकी गाड़ी का जब ये क्लच होजिंग सही तरह से बैठ जाएगा तो आपकी ये इसका होजिंग जो यहाँ पे मूव नहीं करेगा। तो ये इसकी निशानी होती है इसके क्लच होजिंग के बैठने की, बिल्कुल सही बैठने की। तो जी दोस्तों, अब इसका होजिंग हमने बिठा दिया है, तो अब इसके स्प्रिंगों को हम लगाएंगे। ये इसके 4 स्प्रिंग होते हैं, इन स्प्रिंगों को लगाने के बाद आप इसके इन पेचों को लगा लें। तो जी, इनको लगाने के बाद इन पेचों को आप टाइट करें, और आपने बराबर में टाइट करना है। एक साइड के पेच को आपने एक दफ़ा नहीं टाइट कर देना,
पहले आप चारों पिचों को मिला लें आपस में, और उसके बाद आप फिर इनको बराबर की एक साइड डालें। इनके ये 8 नंबर के पेज होते हैं, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये पेज टूट जाते हैं जी। अब ये हमारा जो है क्लच होजिंग जो है वो टाइट हो चुका है, तो इन पेचों को आपने जो बिल्कुल नॉर्मल टाइट करना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जोर नहीं इनको लगाना, नहीं तो ये पेज टूट जाते हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये जब टूट जाएँ तो ये पेज इसका टूटा हुआ निकलता नहीं है क्लच होजिंग में से, वो फिर क्लच होजिंग ही ज़ाया होता है। अब ये आपकी गाड़ी के पेज टाइट हो गए हैं, तो इसकी ये जो पिन है, इस पिन की डायरेक्शन को आपने सीधा रखना है। पिन की डायरेक्शन, ये पिन जो है आप अगर गौर करेंगे तो इसकी क्लच की आपको मैं पिन घूम रही है अंदर से, ये इस पिन में जा कर इसने फंसना होता है, तो इसलिए इसके डायरेक्शन को सीधा रखेंगे तो ये सही काम कर। तो जी दोस्तों, इसके ये इस जैन को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिया, इसके ऊपर सिलिकॉन लगी भी थी, तो इसके ऊपर हम दोबारा जो है इस 70 रुपये का जैन है, ये तकरीबन 800 रुपये का ये जैन है, तो इसीलिए सिलिकॉन में ज़रा लगाना ज़रूरी समझता हूँ कि कोई लीकेज वगैरह ना हो। इसको मैंने सिलिकॉन लगा दिया, ज़रा आप एहतियात से सिलिकॉन लगाएं ज़रा कि पता ना चले कि बाइक जो है खुली हुई है। फिट करने के बाद ये इसकी मैं फिटिंग से चेक कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल इसका जो है ये पल्ला बिल्कुल ठीक तरह से बैठ चुका है, तो अब मैं इसके बाकी पेचों को लगाऊंगा। जी दोस्तों, इसके जो साइड कवर को 9 पेच लगे होते हैं, इसमें जो ये लंबे पेच हैं ये देख रहे हैं, ये 3 इसमें लंबे पेच हैं, 2 पेच इसकी ये डबलों वाली साइड पर आ जाएंगे और 1 पेच इसका इस साइड पर आएगा, बाकी जगह पर इसके छोटे पेच ही हैं। जी दोस्तों, इसकी प्लेटें डालने के बाद, किक लगाने के बाद आप इस गाड़ी में ऑयल डाल लें, जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो जी दोस्तों, इसका ऑयल जब आप कोशिश करेंगे प्लेटें डालें तो इसमें आप नया ऑयल डालें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाज़ दोस्त कहते हैं जी कि हमने भी 100 किलोमीटर पहले ऑयल चेंज किए हैं, 200 किलोमीटर पहले ऑयल चेंज किया है, लेकिन जब प्लेटें आपकी बाइक की ख़राब होती हैं तो वो ऑयल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, तो इसलिए कोशिश करेंगे जब भी आप क्लच प्लेटें डालें तो इसमें आप नया ऑयल ही डालें। तो जी दोस्तों, मैंने आपको जैसे ये गाड़ी खोलने से पहले भी दिखाया था कि इसका किक का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, तो अब हमने इसकी प्लेटें चेंज कर दी हैं और अब हम इसके किक का प्रेशर चेक करते हैं जी। बिल्कुल अब इसकी किक का प्रेशर पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है, तो ये भी एक निशानी होती है कि जब इसकी क्लच प्लेटों का मसला होता है तो इसका किक का प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है। तो जी दोस्तों, जैसा कि आज मैंने आपको दिखाया है कि GT 110 की क्लच प्लेटों को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फी मानिल्लाह।